नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। हाल ही में केरल की वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत हासिल करते हुए राजनीति में धमाकेदार एंट्री की। वहीं अब प्रियंका गांधी ने वायनाड सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में कांग्रेस सांसद और अपने भाई राहुल गांधी की तरह शपथ ग्रहण करते वक्त संविधान को पकड़ा हुआ था। वह राज्यसभा सांसद और अपनी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की है। उन्होंने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4,10,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। वहीं उपचुनाव में अपनी जीत के बाद आज उन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ली। देखिए क्या कुछ इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे वक्त से प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीते दिन जैसे ही प्रियंका के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान हुआ तो देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुशी जताई और अब उनके सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजनीति में एंट्री की थी। एक साल बाद उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि उनकी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभाव डालने में विफल रही। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सबसे पुरानी पार्टी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी अटकलें भी थीं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वहां से राहुल गांधी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। इस तरह अब गांधी परिवार में एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।